मार मारते शर्ट वर्ट पाड़ते यहाँ पे अंदर डिटेन कर दिए। हमारी मांगे की स्क्रैप कराया जाए एनटीए को और वापस से नीट का एग्जाम कराया जाए, जिस तरीके की धांधली हुई है नीट में। ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है जो लाखों करोड़ों छात्र हमारे देश के। जैसा कि आप जानते हैं इस समय हमारे देश में एनटीए पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष एक तरफ जाए एनटीए को घेरते हुए सीधा सरकार पर हमला करता है, वहीं पर अगर हम बात स्टूडेंट्स की करें जो इस समय एग्जाम एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे, पहले नीट का पेपर उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर, आप देख सकते हैं उसी की वजह से यहाँ पर पीछे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन के जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और लगातार हल्ला बोल जैसे यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पुलिस यहाँ पे जो डिटेन कर रही है बच्चों का वो भी देख सकते हैं, पुलिस के सामने खड़े होकर सीना तान के किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं वो भी देख सकते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमें अपना पूरा हक चाहिए, हमारे जो पेपर लीक हो रहे हैं हमको यहाँ पे फिशेस दी जिनको आप ट्रैप कर जाते हैं, इस तरह के स्लोगन आप देखिए, फ्यूचर आर नॉट फिशेस टू बी ट्रैप्ड इन नेट, एआईएसएफ स्क्रैप एनटीए, इस तरह के यहाँ पे स्लोगन लिखे हुए हैं, पोस्टर्स है यहाँ पे फ्लैग्स है एआईएसआईए के, आप देख सकते हैं किस तरह से, देखिए यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और यहाँ पर बच्चे अपना हक मांगने के लिए आज सड़कों पर उतरा है। सड़कों पर बैठ के देखिए किस तरह से पुरुष कांस्टेबल महिला छात्र और उसके पीछे जो है उनको ऐसे खींच कर लेके जा रहे हैं। ये देखिए देखिए किस तरह का माहौल यहाँ पर है, आप देख सकते हैं साथ ही तस्वीरों में हम आपको दिखाए डायरेक्ट इस समय ये तस्वीरें आपके पास पहुंच रही है सीधा शास्त्री भवन कनॉट प्लेस से। आप देख सकते हैं दिल्ली में किस तरह का प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग संगठन से बच्चे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जिनमें दिशा एआईएसआईए ऐसे तमाम यहाँ पे मौजूद है, एआईएसएफ नाम के संगठन भी यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के सामने ये जो घड़ी है बच्चों के लिए बहुत ही मुसीबत की घड़ी है क्योंकि आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे कितना संघर्ष कर रहे हैं। ये देखिए एस एफ आई ए ओ यू जी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके तरफ से मौजूद है, क्या कहेंगे? देखिए एनटीए ने लगातार दो एग्जाम्स में इतनी धांधली हुई है, 9 लाख बच्चा बैठा था एनटीए के यूजीसी नेट में, उन 9 लाखों बच्चों का क्या होगा, इतने टाइम तक हम लोग पढ़ाई करते हैं। मैं अपना ये पेपर लेकर आई हूँ, क्या करें हम इस पेपर का, कितनी कितनी दूर से बच्चे दूसरे दूसरे स्टेट से भी आते हैं, बच्चे सेंटर की वजह से लोग अलग अलग जगह से भी आते हैं, हरियाणा से लोग दिल्ली आते हैं, बिना पैसे पैसे नहीं होते, इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन फीस जाती है, उसके बाद ये लोग कैंसिल हो जाता है, इतनी धांधली, इतनी सिक्योरिटी चेक के बाद भी ना हमें पेंसिल नहीं ले जाने दी, हमें पेन नहीं लेने आने दिया, जूते पहन के नहीं जा सकते, ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते, फिर भी लीक हो गया पेपर, तो कहाँ गई सिक्योरिटी? अगर ऐसी सिक्योरिटी देनी है तो प्लीज़ आप जिस पहले सीबीएसई कंडक्ट करा था नीट, जो भी कंडक्ट कर रही थी एजेंसी जो जो एग्जाम्स उनको वापस कर दीजिए, क्योंकि बच्चा बहुत टाइम तक पढ़ता है, मार्जिनलाइज सेक्शन का बच्चा, दलित बच्ची एक, उसने सुसाइड कमिट किया नीट के बाद, नीट एग्जाम में उसके 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबर आए थे, उसके बाद उसने सुसाइड किया क्योंकि वो नीट के लिए बहुत तेज पढ़ रही थी और उसके बाद उसके पास कोई आशा नहीं रही गई थी, कोई होप नहीं रह गया था, एप्लीकेशन पे के पैसे के भी इतना जोड़ जोड़ के बच्चों के माँ बाप देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे खड़े हैं वो यहाँ पे डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के नाम पे नारेबाजी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड just a few days back we assembled here to protest against the NEET scam, now it NET, we should scrap NET and we should decentralize education, we should not tolerate any anti student moves of the government anymore. Dekhiye jaisa NTA ka record raha hai track record waisa hi NET ka exam hua hai, kuch dinon pehle inhone NEET ka paper leak kar diya aur ab inhone NET ka paper leak kar diya, ab kya hoga is desh mein, UPSC ka paper bhi leak hoga kya? Yahan pe jitne students aaye hain aap dekh sakte hain kitni barbarta se hamare saath mein पुलिस पेश आ रही है, ये जो एक्शन ले रही है ये सरकार, अगर ये उनके खिलाफ ले लेती जो एक्चुअली में पेपर लीक कर रहे हैं तो शायद हमें यहाँ आज नहीं आना पड़ता। देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग और पुलिस और यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में धक्का मुक्की हो रही है, यहाँ पर दोनों तरफ से बल प्रयोग किया जा रहा है, स्टूडेंट्स यहाँ पे बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं, उस तरफ से पूरी तरह से पुलिस प्रशासन काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस समय पुलिस प्रशासन की सारी कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हो उस समय वहां से उस लोगों के
दे, हल्ला बोल के नारे अभी भी चारों तरफ लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे पूरी तरह से बल का प्रयोग किया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे उस शख्स का, उस स्टूडेंट का, पुलिस उनको दोनों हाथों से पकड़ करके जा रही है। जिनकी देख सकते हैं एक तरफ शर्ट की जो स्लीव्स है वो भी फट चुकी है पूरी तरह से धक्के मुक्के में। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पुलिस डिटेन कर रही है। आइए आइए, क्या कहेंगे? ये पुलिस की, ये पुलिस मार मार दी है, मार मार के शर्ट वर्ट पाड़ते यहाँ पे अंदर डिटेन कर रही है। यहाँ पे जेल को, यहाँ पे लड़कियों को, यहाँ पे पुरुष पुरुष पुलिस जो है वो वहाँ पे जबरदस्ती डिटेन कर रहा है। यहाँ पे मार रही है क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ अपनी आवाज उठा रहे हैं। वो यहाँ पे बार बार एनटीए का डेट दे रही है, रात पेपर लीक हो रहा है, पेपर कैंसिल हो रहा है। एनटीए जो थी सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए बनाई गई थी, एज भी एग्जाम अच्छे से चल नहीं रही है। यहाँ पर जो बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको बता दें ये बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन की तरफ से मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे मौजूद हैं। और आपको बता दें जो ये परीक्षा रद्द की गई है, यूजीसी नेट और नीट परीक्षा रद्द करने की वजह से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इन परीक्षाओं के रद्द होने की वजह से तकरीबन 11 लाख बच्चों को दोबारा से परीक्षा देनी पड़ सकती है। इसलिए यहाँ पर ये जो बच्चे और तमाम बच्चे जो जिन बच्चों के पेपर लीक हुए हैं वो बच्चे सभी परेशान हैं। कैमरामैन विकी के साथ मैं खुशी राणा, पंजाब केसरी।